What's up guys, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने डाइट को आप कैसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। So, पहले तो गाइज मैं आपको अगर आप अभी बिजी हैं तो प्लीज वीडियो अभी मत देखिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, फ्री टाइम में ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो में बहुत चीज आपको ध्यान से सुनना होगा वरना आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इफ यू आर फ्री देन ओनली, इससे आगे आप तभी देखिए अगर आप फ्री है। ओके पहले तो अगर आपके पास एक, आप वीडियो को पॉज करिए, एक नोटबुक और एक पेन लेके आइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ले आया आपने? ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले मैं कुछ आपको छोटे छोटे चीज बोल रहा हूं, आप पहले उसको नोट करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, नंबर वन, मैं आपको कैलोरीज पहले आपको बता देता हूँ कैलोरीज क्या है। टी डी ई ई मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर आप गूगल पे जाएंगे, आपको आप एक चीज़ लिखेंगे कैलकुलेट टी डी ई ई, आप अपना बॉडी वेट मतलब योर वेस्ट साइज, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये एक नंबर जनरेट होता है। ये नंबर 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट 80-90% आपको कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन एक मतलब मिल जाएगा, आपको एक एस्टिमेशन। तो टी डी ई ई क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज दैट यू आर बर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आप कितना कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब 2018 में, तो आपको ज़रूर पता होगा कैलोरीज मतलब वेट कम करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट पर रहना पड़ेगा, मतलब टी डी ई ई से कम कैलोरीज कंज्यूम करने पड़ेंगे। टी डी आपका जो नंबर आएगा उससे कम कैलोरीज, और अगर आपको वेट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो टी डी ई ई से ज़्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। इतना तो आपको पता ही होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। अगर नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टी डी पहले आप लिखिए नंबर वन टी डी ई ई, गूगल पर जाके अपना टी डी ई ई निकालिए। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो आप अपने क्लाइंट का टी डी ई ई भी निकाल सकते हैं। ओके, नंबर टू यू लिखिए कि कम कैलोरीज खाना है आपको। टी डी ई ई में आपको एक फिगर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी डी ई में आपको निकल सकता है 3000 कैलोरीज, मतलब मैं अगर गूगल पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालूंगा, मेरे को एक नंबर मिलेगा 3000। वो कुछ नहीं है, 3000 कैलोरीज है। ठीक है, 3000 कैलोरीज, और 3000 कैलोरीज का मतलब ये है कि इफ़ आई वॉन्ट टू लूज वेट, मुझे 2800 कैलोरीज खाने पड़ेंगे। देखिए, ज़्यादा अगर आप डेफिसिट पर जाएंगे तो मसल भी लूज करेंगे, यू डोंट वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट टू लूज फैट, बर्न फैट, नॉट मसल। हु वॉन्ट्स टू बर्न मसल्स? तो डेफिसिट बहुत कम रहनी चाहिए। सेम चीज सरप्लस, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, गोल रहना चाहिए मसल गेन करना, ना कि फैट। ज़्यादा डेफिसिट, ज़्यादा सरप्लस पे रहेंगे तो फैट गेन होने का चांसेस है। ये आप समझ गए, टी डी मतलब कैलोरीज, वेट गेन वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस हो गया ये। नंबर थ्री आप लिखिए प्रोटीन कार्ब्स फैट्स, ये हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स मिनरल्स ये सब है, वो तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब गाइस आप ये बहुत ध्यान से लिखिएगा प्रोटीन। ठीक है, अब आप लिखिए नंबर फोर्थ पॉइंट पे आप लिखिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, मैं टीचर की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी आपको जानना। अगर अभी आप ये समझ गए ना गाइस, योर डाइटिंग विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, मैं आपको सच बता रहा हूँ। दिस इज नो बुलशिटिंग एक्चुअली। और हाँ, और लास्ट है 1 ग्राम ऑफ फैट्स, हाँ फैट्स कंटेन करता है 9 कैलोरीज। ठीक है, वेरी, दिस इज अभी तक आई एम 100% श्योर, क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप नहीं समझे प्लीज़ पॉज करिए, वापस से वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ तक आपकी नॉलेज को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस यूर क्लियर टू लिया, आगे मत देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक कोई ड्यूरेशन का वीडियो बनाता हूँ मैं फिटनेस के ऊपर, आई विल मेक श्योर कि आपको मतलब कट टू कट नॉलेज, मतलब ऐसा एक भी वीडियो में एक भी चीज़ इररिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो टी डी ई आपका निकल गया 3000। उसके बाद अगर मुझे वेट लूज करना है तो मैं खाऊंगा 2800 कैलोरीज।
डन, क्रिस्टल क्लियर। अब ये 2800 कैलोरीज मैं डिवाइड करूंगा कैसे, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ 2800 कैलोरीज आपको खाने हैं इन ऑर्डर टू वेट लूज वेट। तो 2800 में से 150 ये है, 150 ठीक है, 150 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको खाना है, मतलब 150 ग्राम्स हो गया इंटू 4, ये आपको 600 आएगा। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए साइड में, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए कि 600 कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिल रहा है, ठीक है। फिर आप 2800, तो आपका गोल 2800 ही है, परफेक्ट। इंडिविजुअल आपको अपने इंडिविजुअल मतलब गोल्स के हिसाब से आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। बहुत लोग आपको बोलेंगे 0.8 ग्राम्स से लेके 2 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट आपको लेना है। 2800 में से आप 600 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 2800 में से 600 माइनस करिएगा तो बचेगा 2200 बचा, ठीक है। 2200 में से आपको कार्ब्स और फैट्स, ठीक है, कार्ब्स और फैट्स ज़रूरी क्यों है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है वो, आप क्यों है तो आप किसी को भी निकाल नहीं सकते, प्रोटीन नहीं निकाल सकते, कार्ब्स बंद नहीं कर सकते, फैट्स बर्न नहीं कर सकते, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ठीक है, तो अब प्रोटीन आपने निकाल लिया है 150 ग्राम मतलब 600 कैलोरीज, डन एंड डस्टेड, 600 कैलोरीज मतलब 600 कैलोरीज हो गया। अब बचा 2200 कैलोरीज, अब 2200 कैलोरीज में से आपको कार्ब्स और फैट्स निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ब्स पकड़ लेता हूँ, 150 ग्राम अगर आपने खाया तो 200 ग्राम आप ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप ये ऐसा मत करिए कि इतना ही आप खाने लगे, ये आप इंडिविजुअल, ये वीडियो शायद अभी तो शायद 200-300 लोग देखे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है और ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देखने लगे तो वो अलग बात है। तो ये उन बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपको अपना स्पेसिफिक सिर्फ आपका जानना है तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई कोच कोई ट्रेनर से आपको मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व। तो 2200 में से 250 ग्राम कार्ब्स आप पकड़िए, सॉरी 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कार्ब्स इंटू 4 ये होगी 800 कैलोरीज, मतलब 800 कैलोरीज कार्ब्स से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का था कितना हाथ में कैलोरीज, 2200 में से 800 अगर आप माइनस कर देंगे बचेगा 1400, ठीक है। नाउ 1400 में आपको फैट्स अकोमोडेट करना है, तो अगर आप 1400 को 9 से डिवाइड करेंगे इसमें 156 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो बचा है उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो उतना फैट्स आपको खाना है। तो 150 ग्राम मतलब 156 है, तो 150 ग्राम्स कार्ब्स खाएंगे, सॉरी 150 ग्राम्स फैट्स आपको खाने हैं, मतलब ठीक है। फिर भी आप 2700 के आसपास कैलोरीज तक पहुंचेंगे, सिंपल मैथ्स है गाइस, मतलब 150 ग्राम्स ऑफ फैट आपको खाने हैं जो कि आप इज इक्वल टू अराउंड 1400 कैलोरीज। तो अब आप ब्रेक डाउन लिखिए, 1400 मतलब अब आप लिखिए 1400 कैलोरीज, ठीक है, ये मिलेगा आपको फैट से, प्लस 800 हो गया कार्ब्स, 800 हो गया कार्ब्स, ठीक है, ये कैलोरीज आपको कार्ब से मिलेगा, और जो 600 है ये आपको मिलेगा 2800, ठीक है, आगे के 2800 मतलब प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स मिला के आप खा रहे 2800, और आप डेफिसिट पे हैं, ठीक है, डेफिसिट पे हैं आप वेट लूज करेंगे और यू विल मेंटेन गुड क्वालिटी मसल, ठीक है, मसल आपके पास रहेगा, ऐसा नहीं आप स्किनी फैट या कुछ नहीं हो गया, आप अगर ये आप फॉलो करेंगे ऐसा हल्का डेफिसिट, यू कैन बी इन द बेस्ट शेप। मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं और इसीलिए आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं या फिर क्रैश डाइट फॉलो करने लगते हैं, उसके बाद दे गिव अप। ये मैं आपको क्यों आपको इसलिए बताया गाइस, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, और ये डाइट ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा एक डाइट ऐसी बनाने या ढूंढने या बनवाने में जो आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप जो चीज़ आप लंबे समय तक फॉलो लॉन्ग रन में जो चीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, इट डज़ नॉट मेक सेंस। मैं आपको बॉयल्ड चिकन, बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड पनीर, मशरूम हंट 100 चीज़ लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर है, अगर स्पेसिफिकली आप बिगिनर, एडवांस लेवल एथलीट्स की बात छोड़िए, अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है तो आप मुझे 100% मैं लिख के दे सकता हूँ 1 से 1.5 महीना, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है 3 महीने करेंगे उसके बाद आप बंद कर देंगे ये सब करना। तो ये कैलकुलेशन आप जो किया है आप समझ, वापस ये वीडियो देखिए, कैलकुलेशन समझ लीजिए, दिस विल हेल्प यू, ठीक है।
अब आपकी लाइफ को सिंपल बनाने की कसम खाई थी मैंने फिटनेस ये पहले वाले फिटनेस वीडियो में, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप सिंपल कैसे कर सकते हैं। जो मोटे हैं वो डेफिसिट रखेंगे 200 मतलब कम कैलोरीज के डेफिसिट, वो डेफिसिट आप कम खा के रख सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि कम खा के करिए, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा बर्न करिए, वेट ट्रेनिंग के एंड में कार्डियो करिए, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही कार्डियो करेंगे तो आपकी वेट ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है बिकॉज योर ग्लाइकोजन, ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 2800 कैलोरीज का डन, अगर आपको वेट गेन करना है 200 से प्लस रखिए, 3200 हो गया, 3200 तो आप इसको अकॉर्डिंगली आप ब्रेक डाउन करिए, आप कोशिश करिए प्रोटीन ज़्यादा खाने का, और गाइस प्रोटीन को इतना ज़्यादा प्रोटीन आप इतना ज़्यादा ही मत खाइए कि पेट आपको आपकी ख़राब होने स्टार्ट, पेट ख़राब हो, टॉयलेट जा रहा है बार बार, तो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम मत करिए, सब चीज़ आप मॉडरेशन में करिए, इन्जॉय द प्रोसेस, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। कंसिस्टेंसी इज की, कंसिस्टेंसी तभी होगी, तभी मिल पाएगी अगर आपको, अगर आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे कोई चीज़। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा मेन चीज़, देखिए जो मैं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी आपके लिए, आई नीड टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, तो आपके लिए अब मैं बनाऊंगा थिंग्स, आपके लिए मैं बनाऊंगा चीज़ें इजी। गाइस ये तो मैंने आपको सिखा दिया, मतलब सिखा क्या, मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप कैलोरीज अपने कैसे, मतलब प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स में कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाइट के हिसाब से, ये बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन आप इसको इजी कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत ध्यान से, वरना आप बाद में समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए, वीडियो का लिंक या नीचे कमेंट करिए या इंस्टाग्राम मुझे DM करिए, मैं एक सेकंड में बता दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रिप्लाई करने में साल महीने लगा दूंगा, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हाँ तो गाइस अब डेफिसिट में बता रहा हूँ, मान लीजिए डेफिसिट है आपको 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है, ठीक है, आप ये बात ध्यान से सुनिए, कैलोरीज को आप डे इन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप डाइट अच्छे से नहीं कर फॉलो कर पा रहे हैं, आप कैलोरीज को ना हफ्ते वाइज लीजिए, डेली लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग अगर, मतलब अगर आपको 200 कैलोरी का डेफिसिट TDEE आपका एक दिन का निकलता है, ठीक है, अगर आपको आपको जो भी करना है गाइज, आई होप आप वीडियो को एक या दो बार देखेंगे आप क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो TDEE एक दिन का होता है 200 कैलोरीज, बहुत स्मार्टली मैं एक चीज़ आप सोचिए, ये 200 कैलोरीज का डेफिसिट आपको रखना है वेट लूज़ करने के लिए, या 200 का सरप्लस रखना है गेन करने के लिए, मतलब 200 कम या 200 ज़्यादा वेट लूज या वेट गेन के हिसाब से। अब ये 200 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1400, मतलब आपको एक हफ्ते में 1400 कैलोरीज का डेफिसिट या सरप्लस में रहना है इन ऑर्डर टू लूज वेट और गेन वेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू लूज वेट और गेन वेट, इज दैट क्लियर। नाउ एक हफ्ते में 1400 के डेफिसिट पर रहना है, द बेस्ट थिंग गाइज, जो मैंने सर्टिफिकेशन में ये सीखा था और बहुत एथलीट्स ये अभी भी फॉलो करते, द बेस्ट वे टू डू दिस इज, आप दिन में जिस दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं दो वैसे दिन उठाइए, आप मंडे से संडे, ठीक है, मंडे से संडे जिस दिन आपको कम खाने का टाइम मिलता है उस दिन आप कैलोरी डेफिसिट पे रहिए वो दिन, ठीक है, और बाकी दिन आप मेंटेनेंस खाइए। आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना जो निकाला था 2800 अगर मेरा है, ठीक है, डेफिसिट मेरे को रखना है, ठीक है, तो 2800 डेफिसिट रखना है, मतलब 3000 मेरा मेंटेनेंस, 3000 मेरा TDEE है, मतलब 3000 मैं खा सकता हूँ डेली, ठीक है, 3000 मैं खा सकता हूँ, तो आप हफ्ते के 5 दिन, ठीक है, हफ्ते के अगर 3000 है तो एक हफ्ते में कितना हुआ, हाँ 3000 है हफ्ते में, एक हफ्ते में 21000 हुआ, तो आप ये कहीं पर लिख लीजिए नीचे कि एग्जांपल के वहाँ पे कि तीन कि एक हफ्ते में आपका हुआ 21000 एक हफ्ते में। अब इसमें से अगर आप 5 दिन मेंटेनेंस खाते हैं, ठीक है, 5 दिन मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस नहीं बोलेंगे इसको, TDEE जितना है उतना खाते हैं, मतलब 3000 × 5, ठीक है, 1500, ठीक है, 15000 कैलोरीज अगर आप मेंटेनेंस खाते हैं, मेंटेनेंस खाइएगा तो आपको, मतलब ये नहीं, आप अपने आपको टॉर्चर भी नहीं करेंगे
और आप मतलब अगर आप एक दो चीट मील खा भी लेते हैं तो आप उसमें अकोमोडेट कर लेंगे। और दो दिन चूज करिए जिस दिन आप कम कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है। अगर आपको 21,000 है, 21,000 आपका टोटल कैलोरी है, ठीक है, आपको लेना है इतना, आपको इतना चाहिए, लेकिन अगर आप डेफिसिट मेंटेन करेंगे तो आप वेट लूज करेंगे, ठीक है। तो डेफिसिट कितना हो गया, 200 पर डे, मतलब 1400 की डेफिसिट रखनी है। 21,000 में से अगर आप माइनस करेंगे 19,600, ठीक है, 19,600 कैलोरीज आपको खाने हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको, ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से रखिए, ये ट्रिक है एक्चुअली, बहुत इजी, बहुत मज़ेदार चीज़ है। 19,600 आपको मिला, 19,600 मतलब आपको इतना कैलोरीज अगर ये एक हफ्ते में आप खाते हैं डेफिसिट मेंटेन करके, तो इसमें से अगर आप डेली 3,000 खाएंगे, 5 दिन, कोई भी 5 दिन चुनिए, 3,000 खाएंगे तो 15,000 हो जाएगा, माइनस 15,000 बचा 4,600। अब ये 4,600 को ये दो दिन में आप डिवाइड करिए, 4,600 को आप दो दिन में डिवाइड करिए, 2,300। आपको समझ में आया? तो आप दो दिन 2,300 खाइए, दो दिन आप थोड़ी क्लीन डाइट, बहुत सुपर क्लीन डाइट रखिए, और बाकी के दिनों पे आप 3,000 कैलोरीज तब खा सकेंगे, और 3,000 जितना आप न्यूट्रिशियस खा सकेंगे। अगर आपको किसी दिन पीनट बटर अच्छा लगता है, पीनट बटर इज़ हेल्दी, अगर आपको पीनट बटर 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच खाना है, सॉरी 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच खाना है, खाइए आप। लेकिन जो दो दिन आप पिक करेंगे उस दिन 2,300 से ज़्यादा एक्सीड मत करिए। और ये सब अप्रॉक्सीमेट चीज़ है गाइज, अगर आप थोड़ा 19-20 करेंगे आपको फिर भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बेस्ट वे है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे इस तरह, कैलोरिक सरप्लस में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर, लेकिन जिनको है वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। सरप्लस जो आपका है हफ्ता का निकालिए सरप्लस, देखिए 200 आपको डेली का खाना है सरप्लस, मतलब आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज एक हफ्ते में खाने हैं 1400 एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने हैं। आप 1400 एक्स्ट्रा कैलोरीज कैसे खाएंगे, 7 दिन में 200 पर डे होता है ना, तो आप नॉर्मल क्या करिए, आप ऐसा कुछ आप करिए हफ्ते के हिसाब से, कैलोरिक इनटेक को आप हफ्ते के हिसाब से अगर देखेंगे ना, योर लाइफ विल बी वेरी सिंपल। आप ट्रैक से बाहर जा ही नहीं सकते। अब आप दिन में एक चॉकलेट खा लिया, अब एक चॉकलेट खाने का मतलब बहुत लोग सोचते एक मील में चॉकलेट खा लिया तो चॉकलेट, अब एक दिन बर्बाद हो गया, बर्बाद कुछ नहीं हुआ, तो आप सारा दिन कंटिन्यूसली खाएंगे कुछ नहीं। एक चॉकलेट खाया आपने, कैलोरीज आपकी थोड़ी बढ़ी, उसके अगले दिन आप वही कैलोरीज को या तो बर्न करेंगे या उसके जगह पे और सुपर हेल्दी चीज़ खाएंगे जो कैलोरीज में कम हो और न्यूट्रिशन मतलब हो उसमें। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए या तो मैं आपको व्हाट्सएप कॉल या कुछ भी कर दूंगा, आपको क्लियर करके मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मैं बहुत उम्मीद से कंटेंट पुटअप कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जिनको आप चाहते हैं कि मतलब ये क्लीन डाइट मतलब ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये फॉलो कर पाए। प्लीज़ गाइज, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक मतलब बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा 1K पहुँचने में, ठीक है, जो भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और गाइज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आप ये मत सोचिए कि ये खुद इंजर हो गया, इंजर गलती सबसे होती है, दो आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, फिर भी गलती के कारण मुझे चोट लग गई, वो ठीक है, लेकिन ये गलती से मैं एक चीज़ सीख लिया कि ऐसे बाद में डेडलिफ्ट नहीं करूँगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये टिप दे रहा है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बेकार है, बेकार नहीं है, मैंने आपको एक रीज़न दिया है, ठीक है, एक रीज़न कि ये क्यों काम करेगा। कैलोरीज, अब कैलोरी तो मैंने अपना टर्म बनाया नहीं है, जो साइंस है वही मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। वो हो सकता है और यूट्यूबर्स या ट्रेनर्स ने किया होगा, अगर किया है तो वेल, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ आपको बड़े बड़े इस्टेब्लिश बॉडी बिल्डर्स ही बोलेंगे, ये हम जैसे नॉर्मल लोग भी बोल सकते, क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है या फ्यूचर में जो भी दूंगा कि गलत है, दो चीज़ें हैं, आप कमेंट करिए बिना गाली, मुझे पता है यूट्यूब में आप बहुत गाली लिखते हैं, बिना गाली लिखे कमेंट करिए अच्छा सा, मैं रिप्लाई करूँगा। या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप छोटा सा 1-2 मिनट वीडियो बनाइए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो लिंक कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वीडियो खोल के देखूंगा,
अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोला, मैं वीडियो सीधा डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और वापस एक वीडियो बनाऊंगा, या अगर मैं डिलीट नहीं भी करूंगा, मैं एक नया वीडियो में बनाऊंगा और बोलूंगा कि ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में गलत बोला है, इट्स सिंपल. लेकिन आई एम 100% श्योर मैं गलत बोलूंगा नहीं. दिस इज जस्ट टू कंसोल यू कि जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज 100% ट्रू बैक विद साइंस, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे कभी नहीं मिलेगी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी टिप को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं बेट ला के बोल सकता हूँ. और बस सब चीज़ इन्जॉय करिए लाइफ में, धीरे धीरे सब चीज़ करिए. और आप मैं मुझे पता है मैं काफ़ी मतलब ये मैं बोल रहा हूँ बहुत, लेकिन ये आपको ही पता है देर इज़ नो बुलशिट इन दिस. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मतलब कुछ जो प्लेन साइंस है, सिंपल चीज़ जो एक चीज़ साइंटिफिक है, मैंने उसको और सिंपल कर दिया. मतलब पूरे डेली अपने आप को टॉर्चर मत करिए, दो दिन उठाइए, दो दिन ज़्यादा डेफिसिट मेंटेन करिए, बाकी दिन मेंटेनेंस खाइए, ख़त्म, प्लेन एंड सिंपल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, और अगला वीडियो शायद व्लॉग हो या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, देखते हैं. और गाइस कुछ भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स है आपके पास, बिंदास कमेंट करिए, बिंदास इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह हूँ मैं, एक मैसेज करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अगर मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोग को सेम क्वेश्चंस है, जैसे कि तीन एक टॉपिक है, चार लोग ने सेम मैसेज किया, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा. मैं आपके लिए सब करूँगा, क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब करियर ले जाना है, और अगर आप कंटेंट पसंद करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो मैं धीरे 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 ऊपर चला जाऊँगा. बट हाँ, वीडियोस हो सकता है फ्रीक्वेंटली नहीं आए, बिकॉज आई विल ऑलवेज गिव यू क्वालिटी इन्फॉर्मेशन. अगर आप 7 दिन में बेली फैट कम अगर होता तो मैं भी कर लेता, ठीक है. तो सब चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हो सकता है बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ माई फिटनेस करियर, यूट्यूब करियर, इसलिए थैंक यू सो मच गाइज, एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑलवेज यू कैन 100% बी श्योर एंड हैव फेथ इन मी एंड द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग. थैंक यू गाइज, लव ऑल ऑफ यू, एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच. थैंक यू.